हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी टाइम्स टीवी। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा और मैंने यहाँ पे लिए है साबूदाना। मैंने इसे रात भर भिगो के रखे थे, ये देखो ये अच्छे से भीग चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने लिए है आलू, आलू मैंने बॉईल करके लिए है। आलू की क्वांटिटी साबूदाने से कम रखनी है, नहीं तो डीप फ्राई करने के टाइम साबूदाना वड़ा टूट जाता है। उसके साथ साथ मैंने लिए हरी मिर्ची, मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। उसके साथ साथ लिया मैंने सिंगदाना, ये सिंगदाना और मिर्ची मुझे ग्राइंड करके लेना है। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए ये आलू मैश करके लेना है। इसमें ये जो मसाला मैंने पीसा है मिर्ची और सिंगदाना, इसे इसमें मिक्स करना है। ये मैंने उपवास का नमक लिया है, इसे सिंधा नमक भी बोलते हैं, आपके पास नॉर्मल सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, क्योंकि साबूदाना वड़ा बनाने के टाइम हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद ही जो साबूदाना वड़ा बनता है वो अच्छे से बनता है। जो डीप फ्राई करना होता है वो भी अच्छे से डीप फ्राई हो जाते हैं। जितना क्वांटिटी हमने साबूदाना की ली है उससे थोड़ी कम हमें आलू की लेनी है। आलू ज़्यादा हो गए तो साबूदाना हमारे बिगड़ सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मैश करना है, मिक्स करना है। आप देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, साबूदाना आलू और ये मिर्ची हरी मिर्ची सिंगदाना सारी चीजें मिक्स हो चुकी है। ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे शेप देने वाली हूँ साबूदाना वड़ा का। एक राउंड शेप दे दिया इसे और एक शेप में बनाती हूँ इसे, मैदू वड़ा शेप में। इसे ऐसे इस तरह से इसे बना लेना है, मैदू वड़ा जैसा। जब ये फ्राई होता है तो इवनली कुक होता है हर जगह, ये इस तरह से। ये मैंने साबूदाना वड़ा दो शेप में बनाया है, एक मैदू वड़ा शेप में और एक राउंड शेप में। अब इसे हमें फ्राई करना है। इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब ये हमारे साबूदाने वड़े रेडी हो चुके हैं। ये हमारे वड़े अभी तैयार हो चुके हैं, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो ये जल्दी जल जाते हैं, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे सुनहरी कलर में आ जाते हैं। इसे आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है अच्छे से, इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मैंने मेदू वड़ा शेप में बनाया है, ये मैंने एक राउंड में बनाया है। अब मैं बच्चों के लिए चीज स्टफ करके साबूदाना बना रही हूँ। ये इस तरह से बनाना है और ये मैंने चीज लिए है, इसको मैंने कट कर लिया है। मुझे ये चीज को इसके अंदर जैसे हम लोग मोदक बनाते हैं इसे चीज के साथ अच्छे से मिला देना है। मैंने चीज को इसमें फिल कर दिया है। इसी तरह मैं और भी बना रही हूँ चीज स्टफ करके। मेरा चीज स्टफ किया हुआ वड़ा रेडी हो चुका है, अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। अब हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। Thank you.
ये बन गई चीज स्टफ साबूदाना वड़ा। फ्रेंड्स, ये अब मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये जो साबूदाना वड़ा है, इसके अंदर जो चीज स्टफ किया हुआ है, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। ये मेरे रेडी हो चुके हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। आप देख सकते हो चीज पूरा मेल्ट हो चुका है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। ये मेरे उपवास के साबूदाना वड़े रेडी हो चुके हैं। मैं इसे दही के साथ में सर्व कर रही हूँ और ये मेरे चीज स्टफ साबूदाना वड़े रेडी हो चुके हैं। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपके फ्रेंड के साथ साथ इसे शेयर कीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेस्टी टाइम्स टीवी। थैंक यू।